नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में किसी भी पर्सन को जो है ब्लड शुगर लेवल की जो है प्रॉब्लम है। ब्लड शुगर लेवल या तो बढ़ा हुआ है या फिर कम हो रखा है, दोनों की बातें करेंगे और किस तरीके से हम जो है इनिशियल उस ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, ब्लड शुगर लेवल अगर कम होता है तो इसका एक ही उपाय है कि उस पर्सन को आप जो है मीठा खिला दीजिए, उसका ब्लड शुगर लेवल जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम किन के साथ में आती है? जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल जो है हाई रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हम उस बंदे को ट्रीट करें, और इवन इस तरीके से ट्रीट करें कि एक समय के बाद उसका ब्लड शुगर ऑटोमेटिक ही नॉर्मल रहने लग जाए। बहुत ही पावरफुल आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, और इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है, चाहे आप लोगों की ब्लड शुगर लेवल 500 हो 600 हो, इनिशियल टाइम में आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगी। और ना केवल इनिशियल डेज में कंट्रोल होगी, अगर आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो बहुत लंबे समय तक आप जो है ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। ब्लड शुगर लेवल क्या होती है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को डिटेल से बता दिया है कि किस तरीके से ये बॉडी में होती है, किस तरीके से टाइप ए ब्लड शुगर होती है, टाइप बी ब्लड शुगर किस तरीके से होती है, और किस तरीके से लोग जो है इंसुलिन लेते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करना कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब की बात होगी। सीधे सीधे हम जो है पॉइंट पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम किसी भी पर्सन के साथ में है, किसी सिस्टर के साथ में है, मदर के साथ में है, ब्रदर के साथ में है, फादर के साथ में है, तो आप इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को बिल्कुल जो है कंट्रोल कर सकते हो। ब्लड शुगर लेवल आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग 20 में से अगर मान लो 20 लोगों का सैंपल आप कलेक्ट करोगे तो 20 में से 6 या 7 लोगों का जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ से भी आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल से होने वाली जो डिजीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंसान के जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं। किडनी फेल होने की समस्या देखने में आती है, आँखों की रोशनी जाने की समस्या देखने में आती है, और इसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो भी ब्लड शुगर लेवल के पेशेंट में देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा है कि जो तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की जो दवाइयाँ चल रही हैं उनको चलने दो, लेकिन उसके साथ साथ में एक होम रेमेडीज आप यूज करिएगा। आप लोगों को शाम के टाइम में जो धनिया होता है, या तो साबुत धनिया ले लीजिए, अगर साबुत धनिया अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो धनिया के पत्ते भी आप लोग ले सकते हो। लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो साबुत धनिया आता है वो आप लोग लीजिए, और उसको पानी के अंदर शाम के टाइम जो है गला दीजिए, और सुबह आप लोगों को उस धनिया का पानी जो है सेवन कर लेना है। आप लोग देखिएगा, कुछ ही समय में जो ब्लड शुगर लेवल आपका 500-600 आ रहा था वो गिरकर जो है 150 से 160 के बीच में जो है आ जाएगा। और बहुत लंबे टाइम तक अगर आप लोगों को इसको यूज करते हो तो आप लोग देखेंगे कि जितना एक नॉर्मल जो इंसान है उसका ब्लड शुगर लेवल रहता है, इतना ही आप लोगों का ब्लड शुगर रहने लग जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अपनी एक्सरसाइज आप लोगों को बरकरार करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बेटर रहेगा आप सुबह सुबह 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जो है अपना जॉगिंग करें, चलें, हल्के हल्के पैरों से चलें। अगर आप थोड़ा सा रनिंग टाइप में जो है कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें। आप देखिएगा कि कुछ ही समय में आप लोगों की जो दवाइयां शुगर को लेकर चल रही थी, या फिर किसी भी पर्सन को अगर इंसुलिन लग रही है तो इंसुलिन तक इस वाली होम रेमेडी से आप बंद कर सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसके साथ साथ पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है जिसका सॉल्यूशन आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, कमेंट करिएगा। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हेल्थ सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।